हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से एक नया व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 11:10 और हम लोग नहा लिए हैं, पूजा कर रहे हैं, कर ली है और नवरात्रि चल रही है जैसे कि आप सब लोगों को पता है। तो हमारे सोसाइटी में भी एक माता का पंडाल लगा है और शायद आज डांडिया नाइट है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं आज व्लॉग करती हूँ और आप सब लोगों को भी अपने साथ ले चलती हूँ। तो हम लोग खा रहे हैं ये चौलाई का लड्डू, इसे व्रत में खाते हैं क्योंकि ये गुड़ से बना होता है और ये मैंने घर पे ही बनाया है। और ये है चाय जो, हाँ ये भी घर पे बनी है और ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है। तो अब मैं ये दो लड्डू खाऊंगी और चाय पीऊंगी। मैं यूजुअली चाय नहीं पीती हूँ बट आजकल फास्ट है तो थोड़ी सी नींद आती है और मैंने पूरे 9 फास्ट रखे हैं नवरात्रों के। ऑलरेडी 12:30 हो गए हैं और सो मैं अब लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा तो फास्ट है बट मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी है तो आज मैं उनके लिए छोले चावल बना रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट छोले की प्रिपरेशन कर ली है और मैंने छोले कुकर में भी डाल दिए हैं, तो लेट्स देखते हैं कि कैसे हो रहे हैं अभी। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से अभी छोले लग रहे हैं। मैंने इसमें पूरा मसाला बना के और उसमें छोले डाले हैं। थोड़ी देर इनको इसी तरीके से सिम गैस पे भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें पानी मिलाऊंगी और इसमें जो है 4 to 5 विसल्स लगवाऊंगी कुकर में। तो मैंने इन छोलों में अब जितना रिक्वायर्ड पानी था उतना मिला दिया है और अब मैं इसमें जो है फुल गैस में 2 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसमें 3 to 4 सीटी दिलवाऊंगी और मेरे छोले रेडी हैं। तो अब मैंने छोले जो है वो बनने रख दिए हैं और बस उनमें प्रॉपर विसल हो जाए और छोले प्रॉपरली पक जाए तो मैं चावल बनाऊंगी। चावल बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट्स में मेरे चावल बन जाएंगे राइस कुकर में। और तो ये है गर्मा गर्म चावल एंड छोले फॉर माय हस्बैंड और चलो उन्हें देते हैं। तो प्रवीण जो है अब टेस्ट करेंगे। प्रवीण खाओ और मुझे बताना कैसा है। ठीक है, देख चुका हूँ मैं, बहुत अच्छा है, गरम है, गरम। और टेस्ट, नमक मिर्च सब सही है, परफेक्ट। मैंने एकदम पतले वाले छोले नहीं बनाए क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। प्रवीण तुम्हें भी बिल्कुल तरी वाले छोले पसंद नहीं है ना? ये वाले अच्छे हैं जैसे भी हैं। तुम बेड टेबल पे इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ देख रहे हैं काला पानी और जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसीलिए हमारा बाहर अपने डाइनिंग हॉल में जाके खाने का मन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैंने प्रवीण को बोला आप यहीं पे खा लो, अदरवाइज़ वो मुझे भी बेड में नहीं खाने देते और हम लोग बाहर ही खाते हैं, बेड पे नहीं खाते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज हमारी सोसाइटी में है डांडिया नाइट, तो मैंने अपने लिए डांडिया भी खरीद ली है। और मैंने अगर मैं अपनी ड्रेस के बारे में बताऊं तो मैंने ये लहंगा पहना है, ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ का लहंगा है और मैंने इसके इसपे ही साथ का ब्लाउज पहना है। बट दुपट्टे में मैंने इसका दुपट्टा ना पहन के मैंने इसके दुपट्टे की जगह हमारे यहाँ पे ये पिछौड़ी होती है मैंने इसे पहना है और इसकी ड्रेपिंग स्टाइल मैंने कुछ इस तरीके से इसे ड्रेप किया है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। आई थिंक इस तरह की ड्रेपिंग में मैं प्रॉपरली डांस कर पाऊँगी। और अब हम चलते हैं डांडिया सेटअप की ओर और मैं आप सब लोगों को दिखाऊँगी वहाँ पर कैसा सेटअप है और क्या क्या हो रहा है। तो चल डांडिया नाइट से आ चुकी हूँ और अभी मैं अपना डिनर कंप्लीट कर रही हूँ और साथ में चल रहा है बिग बॉस।
मेरे हस्बैंड को बिग बॉस देखना बहुत ज्यादा पसंद है। चल झूठी। झूठ नहीं, सच में। हमेशा हर सीजन स्टार्ट होने से पहले मुझे बोलते हैं मैं इस बार बिग बॉस नहीं देखूंगा, बट हर बार बिग बॉस देखते हैं। और इस बार इनका फेवरेट कंटेस्टेंट है विकी जैन, वो इनको बहुत पसंद आ गया है। और मेरा और हाँ मुनावर भी इनको पसंद है और मुझे पसंद है। मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आया, एक दो वीक बाद ही बता पाऊंगी। मेरे घर का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है और एक्चुअली अब विंटर्स ऑलमोस्ट आ गए हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों की छुट्टी है दोनों की, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ट्रॉली बैग्स है जिनमें जो है गर्म कपड़े पैक करे थे जब हम शिफ्ट कर रहे थे यहाँ पे, तो अभी वो वैसे ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज धूप भी अच्छी है तो उन कपड़ों को थोड़ी धूप लगा लेते हैं और जो हमारे समर्स का कपड़ों का कलेक्शन है उसको कर देते हैं पैक ऑलमोस्ट। कुछ कुछ रखेंगे एक दो पीसेस एंड जो विंटर के कपड़े हैं उनको आज कबर्ड में लगा दिया जाए ताकि अब विंटर्स आ गए हैं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। और विंटर्स के कपड़ों को डायरेक्टली निकाल के पहनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, आई थिंक उन्हें पैक करने से पहले और निकालने से पहले एक एक धूप ज़रूर लगानी चाहिए, तो मैं आज वो करती हूँ। तो मैंने नहा लिया है, पूजा भी हो चुकी है और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मेरा तो फास्ट है और आज लास्ट नवरात्रि का फास्ट है, आज अष्टमी है और हम लोग नवमी पूजते हैं। तो अब मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और ख़ुद भी आज चाय पीऊंगी, पहली चाय ऑफ द डे। और फिर मैंने कपड़े सुखाए हैं बाहर गर्म, तो उनको जब रखेंगे तो फिर शाम के बज गए हैं 5:30 और अब मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ डिनर। डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी, चपाती और रायता। तो चलो फिर जल्दी से क्विकली बनाते हैं डिनर। और आज भी हमारी सोसाइटी में डांडिया नाइट है, बट आई डोंट नो कि मैं जाऊँगी या नहीं। तो जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं और मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो प्याज लहसुन तो हमने खाना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं ताकि पनीर की ग्रेवी अच्छे से बने। और हरी मिर्च काट रही हूँ क्योंकि हम लोग लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करते हैं। और इस टमाटर के साथ मैं एक अदरक को ग्रेट करूँगी जिससे थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आता है, और अदरक वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा ही है खाना। मेरी जो है ग्रेवी रेडी हो चुकी है, इसमें मैंने टमाटर डाले हैं और अदरक और मिर्च का तड़का लगाया है और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है। और मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए कुक करूँगी ताकि इसमें अच्छे से जो भी मसाला है, ग्रेवी है, अच्छे से पनीर पे लग जाए। और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। और ये इसमें सूपी पनीर नहीं होगा, ये थोड़ा ड्राई होगा। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, सूपी पनीर बनाने के लिए प्याज एंड ऑल दैट की ज़रूरत लगती है, तो सिंस वी आर नॉट ईटिंग इट, सो मैंने सोचा कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसका नाम भी मुझे नहीं पता ही क्या है, कौन सा टाइप ऑफ पनीर है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो डिनर रेडी है, यहाँ पे है ये पनीर की सब्ज़ी और चपाती गरम गरम। तो मैं अपने हस्बैंड को पहले दे के आती हूँ। डिनर फिनिश हो गया है, सो लेट्स वॉक। ओम ब्राह्मणो से मुखमासित बाहु। प्रेम से बोलो जयकारा, श्रावणिदा बोलो साचे दरबार की जय। 438 सब्सक्राइबर्स। चलो बताओ तुम डांडिया करोगे आज? तो आपकी डांडिया कहाँ है? मेरी डांडिया वैसे चल रही है। अच्छा, एक भांगड़े का स्टेप करके दिखा दो मुझे प्लीज। वाओ, ओह माय गॉड।